friends, how are you? I think you all were very fit and fine. Now I am going to start my new chapter from the subject Environmental Study for Standard 5. The chapter name is Cloth We Wear. Cloth, that means कपड़े जो हम लोग पहनते हैं. देखिए, we all wear clothes to cover our body. हम सभी लोग कपड़े पहनते हैं अपनी body को cover करने के लिए. पहनते हैं, exactly पहनते हैं. Clothes protect us from heat, cold, rain, wind and dust. देखिए, क्लोथ जो है वो हमको प्रोटेक्ट करता है किससे? हीट से, जो धूप आते हैं, ठंड से, बारिश से, हवा से, डस्ट जो धूल वगैरह होते हैं वो सब से क्लोथ हमारे बॉडी को पूरा प्रोटेक्ट करता है. दे मेक अस लुक स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल. हम लोग जैसे भी कपड़ा पहनते हैं उससे हम स्मार्ट भी लगते हैं, ब्यूटीफुल भी दिखते हैं. आप लोग कितने अच्छे अच्छे फ्रॉक स्कर्ट्स मतलब अलग अलग तरह के शर्ट पैंट पहनने लगते हैं ना कि हाँ मम्मी इस कपड़े में अच्छे लग रहे हैं. मम्मी कहती है ना कि हाँ मेरे बेटे का कपड़ा बहुत सुंदर लग रहा है. तो उससे हमारे बॉडी भी स्मार्ट और ब्यूटीफुल दिखता है. देखिए, वी वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स डिपेंडिंग ऑन द सीजन, प्लेस वी लीव एंड वॉक टू डू. देखिए, ये जो हम कपड़े पहनते हैं वो डिपेंड करता है किस किस पर डिपेंड करता है? सीजन्स, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ का मौसम कैसा है उस पर, या तो जहाँ हम लोग काम करते हैं वो संस्थान कैसा है, वहाँ पे क्या काम किया जाता है, किस टाइप के कपड़े पहन जाते हैं, वो भी डिपेंड करता है. अब देखिए, यहाँ पे कपड़े ही से बात करते हैं. शर्ट है, ट्राउजर्स, साड़ी, सलवार कुर्ता, फ्रॉक, स्कर्ट, ये सब चीज़ें आपको तो नॉर्मली देखते आए सारे कपड़े क्लोथ्स हैं. अब देखिए, ये तो आज के ज़माने में कपड़े पहन जाते हैं. यहाँ पे अब ओल्डर टाइम की बात करते हैं. इन ओल्डर टाइम्स पीपल यूज लीव एंड स्किन ऑफ एनिमल्स टू कवर देयर बॉडीज. पहले ज़माने में कपड़े नहीं हुआ करते थे, लोग क्या करते थे? पत्तों से, लीव से, या तो स्किन ऑफ द एनिमल्स जो उनकी चमड़ी रहती है एनिमल्स की, उससे अपना बॉडी को कवर करते थे. या आप लोग जो है ये चीज़ याद रखिए, पहले ज़माने में लोग किससे अपने बॉडी को कवर करते थे, ये क्वेश्चन आ सकता है. तो यहाँ पे आएगा कि दे वर यूज लीव्स एंड स्किन ऑफ एनिमल्स टू कवर देयर बॉडीज. अब देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं विंटर सीजन में क्लोथ कैसे पहने जाते हैं. क्लोथ्स इन विंटर सीजन, क्लोथ्स इन विंटर सीजन, वी वेयर वुलन क्लोथ्स. कैसे कपड़े पहनते हैं हम लोग? वुलन क्लोथ्स इन विंटर. विंटर सीजन में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. दे कीप आवर बॉडी वॉर्म. ये हमारे बॉडी को वॉर्म, दैट मीन्स कि गर्म रखते हैं. जैसे कि स्वेटर हो गया, मफलर हो गया, वुलन कैप्स हो गया, कोट हो गया. तो आप लोग भी स्कूल आते हैं जब विंटर सीजन में, तो आप लोग ब्लेजर पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, मफलर डालते हैं. इसी तरह से क्या होता है, बॉडी गर्म रहता है. अब देखिए, वी गेट वूल. वूल हमें कहाँ से मिलता है? फ्लीस ऑफ शीप से. और वही बात किया जाए कि सिल्क, वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म. ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आएगा कि वूल हमें कहाँ से मिलता है, तो आपको लिखना पड़ेगा फ्लीस ऑफ द शीप. अगर आपको बात किया जाए कि सिल्क से, सिल्क कहाँ से मिलता है, तो आपको बताना होगा सिल्क जो है हमको सिल्क वॉर्म से मिलता है. चलिए, तो वह विंटर सीजन की बात. अब हमें बात करते हैं समर सीजन. We wear cotton and lined clothes in summer. हम लोग summer के season में cotton या lined clothes को पहनते हैं. They keep our body cool and exhausted. जो पसीना आता है उसको soak लेता है, तो हमारे body को cool रखता है. जैसे कि t-shirt हो गया, shorts हो गया, कुर्ता हो गया, skirt हो गया, ये सब हम normally पहनते हैं गर्मियों में. अब यहाँ पे बात करते हैं कि rainy season की. Clothes in rainy season. रेनी सीजन में हम लोग कैसे क्लोथ पहनते हैं? इन रेनी सीजन वी वेयर रेनकोट. रेनी सीजन में हम लोग क्या पहनते हैं? रेनकोट, जो हमें बारिश से बचाता है. एंड गमबूट होता है, जो शूज जो होते हैं वो लेदर के जो रहते हैं. गमबूट्स पैंट्स, यू आर रिक्वेस्टेड टू शो द पिक्चर ऑफ द गमबूट्स टू योर वार्ड्स, दैट कीप अस ड्राई. वो हम लोग को ड्राई रखने में हेल्प करता है. अब यहाँ देखिए, क्लोथ अकॉर्डिंग टू द ओकेशन.
अब क्लोथ्स ओकेशन के हिसाब से भी डिपेंड रहता है, जैसे कि अब मान लीजिए किसी की शादी है तो शादी में आप ये थोड़ी कि स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है, तो उसके लिए अलग टाइप के क्लोथ्स रहते हैं, आपको बहुत अच्छा जो दिखे आपको ब्यूटीफुल लगे उसमें। और स्पेशल ओकेशन लाइक पार्टीज, वेडिंग्स, वेडिंग्स दैट मीन शादी एंड फेस्टिवल्स, वी वेयर फैंसी एंड कलरफुल क्लोथ्स। हम लोग फैंसी एंड कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं, पहनते हैं आपको एक पास होगा ना कि शादी में जाए तो बहुत अच्छे अच्छे कलरफुल रहते हैं। सर क्लोथ्स आर कॉल्ड पार्टी वियर क्लोथ्स, इनको ऐसे ड्रेसेस को हम कहते हैं पार्टी वियर क्लोथ्स। तो याद रखना है आपको कि क्लोथ्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द थ्री थिंग्स, सीजन, प्लेस वी लिव एंड वर्क टू डू, हम जो काम करने जा रहे हैं वहाँ पे या तो जहाँ पे हम रहते हैं और सीजन्स पे। अब यहाँ पे बात किया जाए क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब यहाँ पे लोग काम करते हैं, मान लीजिए कि आज पुलिस वाले, पुलिस वाले का उन लोग की यूनिफॉर्म अलग रहती है, स्कूल आप लोग आते हैं स्कूल की यूनिफॉर्म अलग है, वैसे डॉक्टर्स हैं डॉक्टर्स की यूनिफॉर्म अलग है, तो ये ऑक्यूपेशन पे भी डिपेंड करता है कि हम लोग का यूनिफॉर्म कैसा होगा। देखिए सम पीपल वेयर स्पेशल क्लोथ्स दैट टेल अस व्हाट वर्क दे डू, जैसे आप लोग पुलिस वालों का यूनिफॉर्म देखेंगे आप लोग को मालूम चल जाएगा कि ये पुलिस है, और वैसे आप डॉक्टर्स की यूनिफॉर्म देखेंगे तो आप लोग को एग्जैक्टली मालूम चल जाएगा कि ये डॉक्टर्स है, वैसे आप लोग लॉयर्स की देखेंगे तो आप लोग उनको भी मालूम चल जाएगा कि ये लोग लॉयर हैं। तो सच क्लोथ्स आर कॉल्ड यूनिफॉर्म, ऐसे क्लोथ्स को हम कहते हैं यूनिफॉर्म। तो ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, सम पीपल वेयर स्पेशल क्लोथ्स दैट हेल्प अस वर्क दे डू, जो हेल्प करते हैं कि हम क्या काम करते हैं उसको जानने में, इसको हम कहते हैं ऐसे क्लोथ्स को हम कहते हैं यूनिफॉर्म। चिल्ड्रंस ऑल्सो वेयर यूनिफॉर्म व्हेन दे गो स्कूल, जब वो लोग स्कूल जाते हैं छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं या जो भी चिल्ड्रन स्कूल जाते हैं वो भी यूनिफॉर्म पहनते हैं, उन लोग का भी एक अलग यूनिफॉर्म होता है। तो ये तो रहा कि हमारा अब तक बात हुआ कि ओकेशनल में कैसा पहना जाता है, ऑक्यूपेशन में कैसा पहना जाता है, रेनी सीजन में, समर सीजन में एंड विंटर सीजन में। अब हम बात करने चाहेंगे कि ये क्लोथ बनते हैं।